हेलो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वन वर्ड सब्सिट्यूशन का पार्ट थ्री इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट किए हैं और प्रत्येक पार्ट में फिफ्टी फिफ्टी वन वर्ड सब्टूशन है दोस्तों हम ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों जितने भी इस बुक में वन वर्ड सब है मैं उन्हें कम्प्लीट करा दूँगा और ये प्रति एग्ज़ाम के लिए प्रति एक उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो दोस्तों चलिए और प्रैक्टिस कीजिए गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स मतलब जो हमारे पुजारी होते हैं या धर्मानुयायी होते हैं उनका एक जगह इकट्ठा होना उसे क्या कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन धर्म, संगति नेक्स्ट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम, नेक्स्ट वन वो इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट और आर्ट उसे क्या कहते हैं कोनो कोनो कॉनोशिशियर कला का पारखी नेक्स्ट वन हंड्रेड फॉर कंपल्सरी इन्लिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज जो कि अनिवार्य हो जो अनिवार्य अनिवार्य हो वह सेना उसे क्या कहते हैं कॉन्सिस्क्रिप्शन कॉन्सिस्क्रिप्शन अनिवार्य सैनिक सेवा देखिए दोस्तों नेक्स्ट 105 which spread which spreads by physical touch or contact टच वह बीमारी जो फैलती है शारीरिक संपर्क से या एक दूसरे के छूने से उसे क्या कहते हैं कॉन्टाजियस कॉन्टाजियस संक्रमक बीमारी या महामारी नेक्स्ट ऑफ द सेम टाइम ऑफ द सेम टाइम एक ही समय में होने वाला उसे क्या कहते हैं कॉन्टाटेप्ररी कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन नेक्स्ट वन हंड्रेड सेवन स्टू कंट्रीज और स्टेट टचिंग अकॉमन बाउंड्री दो देश या दो राज्य जो एक ही उभनिष्ट सीमा को छूते हैं उसे क्या कहते हैं कॉन्टीजियस कॉन्टीजियस समीपस्थ। नेक्स्ट शोविंग डीप शोरो फॉर रोंग डूइंग शोविंग डीप शोरो फॉर रोंग डूइंग कुछ गलत कार्य करने के पश्चात पछतावा करने वाला उसको क्या को क्या कहते हैं कॉन्ट्राइट कॉन्ट्राइट पश्चातापी नेक्स्ट द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस लंबे समय तक बीमार रहने के पश्चात किसी समय में फिर स्वास्थ्य में अच्छा हो जाना उसे क्या कहते हैं कन्वल, कन्वल्स कन्वल्स सेंस, सेंस, नेक्स्ट, सिक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग सिक्रेट एंडगल इलीगल रिलीजियस मीटिंग गुप्त और गैरकानूनी धार्मिक सभा उसी को क्या कहते हैं कॉन्वेंटिकल, कॉन्वेंटिकल कॉन्वेंटिकल नेक्स्ट अ अडक्टिव वुमेन वो यूज हर शेख्स अपील टू एक्सप्लॉयड मैन को क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉन्क्विटी कॉन्क्टी दिलफेक महिला नेक्स्ट केरमनी ऑफ क्रोविंग अ किंग केरमनी ऑफ क्रोविंग अ किंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉरोनेशन राज्य राज्यभिषेक नेक्स्ट अ पर्सन अपर्सन रिगार्ड्स द हुल वर्ल्ड एज हिज कंट्री एक एक व्यक्ति जो यह समझता है कि संपूर्ण संसार उसका देश है उसको क्या कहते हैं कॉस्मोपोलिटन कॉस्मोपॉलिटन पूरी दुनिया का निवासी नेक्स्ट वन हंड्रेड फोर्टीन वन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव वाट एवर इज टोल्ड कोई वह व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर लेता है जो उसको बोला जाता है उस पर उसको क्या कहते हैं स क्रेडुलस आशु विश्वासी नेक्स्ट द प्लेस फॉर क्रोपसेस टू बी बंट वह स्थान जहाँ मृत शरीर जलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं क्रीमेटरी उस क्रीमेटरी क्रीमेटरी सुनसान घाट नेक्स्ट सवन वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ़ एन इंजरी और disability टू द लेग और बैक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असमर्थ होता है चलने में आमतौर पर किसी घायल स्थिति के कारण या अपने पैर या कमर की अयोग्यता के कारण उसको क्या कहते हैं क्रिपल क्रिपल हिंदी में क्या कहते हैं अपंग नेक्स्ट इन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मोमेंट और प्रोविटिड व्यादेश जो निश्चित किया जाता है कुछ पल के लिए जिसमें सब जिसमें सब कुछ रोकथाम कर दी जाती है अर्थात प्रतिबंध लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं कर्फ्यू कर्फ्यू नेक्स्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का केंद्र होना को क्या कहते हैं शाइनोश्योर शाइनोश्योर नेक्स्ट अ लैंग्वेज दैट इज़ नाउ लॉन्गर स्पोकन वह भाषा वह भाषा जो लंबे समय से प्रयोग में लाई गई हो उसको क्या कहते हैं डैड डैड मर्द बेकार या बेजान भाषा नेक्स्ट पोलिटिकल लीडर हो डिलवर्स सेंटिमेंटल स्पीसीज वह राजनीतिक ने राजनीतिक नेता जो भड़काऊ भाषण देता हो उसको क्या कहते हैं डैमेगॉग डैमगॉग नेक्स्ट अ गवर्मेंट बाई द पीपल ऑफ़ द पीपल एंड फोर द पीपल वह सरकार जो लोगों द्वारा लोगों की लोगों के लिए हो उसको क्या कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र या राजतंत्र नेक्स्ट वन ट्वेंटी टू अ पर्सन एंड एनिमल और अ प्लान्टट लिवस शोर दैट लिवस ग्रोज और इज ओफन फाउंड अ पार्टिकुलर प्लेस एक व्यक्ति या एक पशु एक पौधा जो रहता है वृद्धि करता है या पाया जाता है प्राय एक विशेष स्थान पर उसको क्या कहते हैं डेनिजन, डेनिजन, निवासी नेक्स्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री मोरबली बैड और इविल, जो नैतिक रूप से बुरा और भ्रष्ट हो उसको क्या कहते हैं

उसको क्या कहते हैं डरमाटोलॉजी डरमाटोलॉजी नेक्स्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स लॉस ऑफ कंप्लीट हॉफ आशा को पूर्ण रूप से खो देना उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में डेस्पोडेंसी डेस्पोडेंसी निराशा नेक्स्ट लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिस्टिट्यूशन डिस्टिट्यूशन अबाउ नेक्स्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी एट केजिंग हार्म और डैमेज का कारण होना उसको क्या कहते हैं डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल हानिकर नेक्स्ट स्किलफुल एट हैंडिंग थिंग स्किलफुल एट हैंडिंग थिंग्स किसी मामले या वस्तु को हल करने वाला उसको क्या कहते हैं डेक्स्ट्रस डेक्स्ट्रस कुशल नेक्स्ट वन थर्टी बिटर एंड वोलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग कड़वा या भद्दा आक्रमण शब्दों का या लिखावट का उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में द ट्राइब द ट्राइब द ट्राइब कटूनिंदा नेक्स्ट वन हंड्रेड थर्टी वन गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय आ अब्सल्यूट रूलर व सरकार जो केवल एक पूर्ण शासक द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप जैसे उत्तरी कोरिया में चलाई जाती है तानाशाही नेक्स्ट द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पेपर को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी कुटनीति नेक्स्ट वन थर्टी थ्री डिफरेंस बेटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिस्क्रिपेंसी 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 नेक्स्ट वन थर्टी फोर टू हाइड और डिस्गाइज टू हाइड और डिस्गाइज किसी चीज को छुपाना उसे क्या कहते हैं डिसमुलेट डिसमुलेट छिपाना नेक्स्ट ऑफ द डे टाइम ऑफ द डे टाइम दिन भर या प्रतिदिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं ड्रिवेनल ड्रिवेनल दैनिक नेक्स्ट अ कीपर शैलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग वह दुकानदार जो कपड़े बेचता है या बुनता है उसको क्या कहते हैं ड्रैपर ड्रैपर दुल्हा नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर आर द पार्टी विंस किसी गेम का वह परिणाम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीते उसे क्या कहते हैं ड्राव ड्रैक्स्ट वन थर्टी एट पर्सन प्लांट और एनिमल्स वो या विच इज ब्लो दूज साइज एक व्यक्ति या पौधा या पशु जो अपने अपने सही आकार से छोटा हो उसको क्या कहते हैं ड्र्फ नेक्स्ट सक्सेशन ऑफ सक्सेशन ऑफ रूलर टू वन फैमिली को क्या कहते हैं किसी रूलर बिलोंगिंग्स टू वन फैमिली किसी शासक का उसके परिवार से संबंधित अधिकार उसको क्या कहते हैं डायनेस्टी डायनेस्टी वन वो विटनेस इज सिक्योरिटली टू प्राइवेट वह व्यक्ति जो गुप्त प्राइवेट बातों को गुप्त तरीके से करता है उसको क्या कहते हैं इज्ड्रोफर इज्ड्रोफर नेक्स्ट हिंदी में क्या कहते हैं चुपके से निजी वार्तालाप नेक्स्ट वन फोर्टी वन वन वो इज़ केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी और फॉल कोई ऐसा व्यक्ति जो रुपयों को खर्च करने में बहुत ही सावधान हो उसको क्या कहते हैं इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल अल्पवयी या किफायती नेक्स्ट वन फोर्टी टू दैट विच इज फिट टू बी इटर्न जो खाने में सही हो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में एडिबल एडिबल खाने योग्य नेक्स्ट वन फोर्टी थ्री अ मैन हु इज़ वुमैनज इन हिज हैबिट्स कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदत में औरतों के जैसा हो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में इफमिनेट इफमिनेट औरताना गुण वाला या औरताना गुण वाला या औरताना गुण होना नेक्स्ट बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा विश्वास कि सभी लोग समान है एंड हैव द सेम राइट्स और सभी के समान अधिकार है एंड अपॉर्चुनिटीज और सभी के लिए समान अवसर है ऐसे विश्वास को क्या कहते हैं इगली ट्रेनिज्मी ट्रेनिज्म नेक्स्ट वन फोर्टी फाइव अलवर ऑफ वंस ऑन सेल्फ सुपर सीलियस स्वयं का प्रेमी उसको क्या कहते हैं कोई व्यक्ति जो स्वयं का प्रेमी हो उसको क्या कहते हैं इगोइस्ट इगोइस्ट नेक्स्ट वन फोर्टी सिक्स फिट टू बी सूजन क्वालिफाइड जो जो चुनने में सही हो उसको क्या कहते हैं या चुनने योग्य है उसको क्या कहते हैं योग्य नेक्स्ट वन फोर्टी सेवन असडन सीरियस सिचुएशंस रिक्वायरिंग इमिडिएट एक्शन कोई भी गंभीर परिस्थिति जो अचानक ही घटित होती हो उसको क्या कहते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी और उसके लिए अचानक ही कोई कार्य करना पड़े उसको क्या कहते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी वन हु इज़ हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस वन जो हु इज हनरेबली डिस्चार्ज जो फ्रॉम हिज सर्विस जो अपनी सेवा से सम्मानपूर्वक बर्खखास्त होता है या सेवा मुक्त होता है उसको क्या कहते हैं इमरिट्स इमरटस इमरटस सम्मान सेवा व्यक्ति नेक्स्ट अ अपर्सन वूगोज टू अनदर कंट्री टू लाइव अ पर्सन हु वूगोज टू अनदर कंट्री टू लिव कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश जाता है रहने के लिए उसको क्या कहते हैं इमिग्रांट इमिग्रांट प्रवासी नेक्स्ट अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन अ पर्सन सेंट और मिशन कोई ऐसा एस, एक ऐसा व्यक्ति जो भेजा जाता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहाँ उसको क्या कहते हैं या किसी मिशन पर उसको क्या कहते हैं इमर्शी इमर्शी गुप्तचर या जासूस दोस्तों यहाँ हमने वन फिफ्टी वन वर्ड सब ट्यूशन कम्प्लीट किए हैं अब तक हमने कुल तीन वीडियो बनाई है जो वन वर्ड सब से रिलेटेड है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय